यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखे 2019 का क्या है। अगेन फिर बोलूंगा, क्वेश्चंस को सुनिए, समझिए और करिए, और 11, 12 के कंसेप्ट पे वर्क करिए, वो इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए क्या है, द सम ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपांशन इक्वल 5670। यानी सम ऑफ रियल वैल्यू ऑफ एक्स मतलब जो मिडिल टर्म में एक्स आ रहा है उनकी रियल वैल्यू का सम क्या होगा जबकि मिडिल टर्म कितना है 5670। अब देखिए 8 है, इवन पावर है, तो मिडिल टर्म ऑब्वियसली फिफ्थ होगा, तो आप सीधा फिफ्थ टर्म निकालिए क्या होगा, और यही गिवन है 5670। तो देखिए क्या होगा, 5670 इक्वल टू, कोशिश करिए स्टेप कम से कम हो, 8c4 इनटू, अब केवल आपको मिडिल टर्म देखना, तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स का क्यूब अपॉन 3 की पावर 4 इनटू 3 बाय एक्स का पावर 4। यस, तो अब क्या होगा, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5670 इक्वल टू 8765 अपॉन 4321 इनटू एक्स की पावर 12 बाय 4, तो एक्स की पावर 8 या 3 की पावर 4 से 4 कैंसिल। अब देखिए ये 8 कंप्लीटली कैंसिल, ये इससे 2 टाइम कैंसिल, ये हो गया 10, ये कैंसिल, और 7 से इसको कैंसिल करिए तो 81 इक्वल टू एक्स पावर 8। अब इसमें x की पावर 8 इक्वल टू 81, इसमें अब x की वो वैल्यू निकालनी जो रियल हो और उनका सम पूछा गया। देखिए सिंपल लॉजिक है, तो x4 क्या हो जाएगा, देखिए x8 माइनस 81 इक्वल टू 0 या x4 माइनस 9 इनटू x4 प्लस 9, देखिए इससे इमेजिनरी रूट मिलेंगे, बात खत्म, x2 माइनस 3 x2 प्लस 3 x4 प्लस 9, अब इससे जो दो रूट निकलेंगे एक प्लस एक माइनस, तो सम क्या हो गया उसका, जीरो, यानी आंसर यहां आ गया, क्योंकि इनके इमेजिनरी रूट होंगे। आपको देखो क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री, तो एक वैल्यू रूट थ्री एक माइनस रूट थ्री, इसका सम पूछा, द सम ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ एक्स। कितना अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड था, राइट, नोट करिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए टेन बी अ जीपी इफ ए थ्री बाय ए वन इक्वल टू 25 देन ए नाइन बाय ए फाइव। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ए वन ए टू ए थ्री ये किस में है, जीपी में है, और गिवन है ए थ्री बाय ए वन इक्वल टू 25, मतलब ए थ्री होता ए आर स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू 25, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी आर इक्वल टू प्लस माइनस 5, यानी टर्म ये होंगे 1 5 5 स्क्वायर 5 क्यूब, लाइक दिस, यस और नो। अब ए नाइन पूछा है तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ए आर पावर 8 अपॉन ए आर पावर 4, यानी आर पावर 4 यानी 5 पावर 4 इज अ राइट आंसर, राइट। देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, अगर कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, नोट करिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग टू आर देन द रेंज ऑफ एफ। आपको याद हो ये क्वेश्चन हमने बेसिक में किया हुआ है, बेसिक पोर्शन में बिल्कुल सेम। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो मैंने आपको बताया था a अपॉन b में लेस देन 1 जब होगा, जब a लेस देन b हो, ये 1 प्लस समथिंग स्क्वायर है, इसका मतलब ये हमेशा लेस देन 1 होगा। तो एक चीज याद रखिए कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, तीन आंसर आप डायरेक्टली रिजेक्ट कर दीजिए। आप कोई भी वैल्यू रखो, आपने रखा 2 2 बाय 5, आपने रखा 3 3 बाय 10, आप माइनस में रखो -3 -3 बाय 10। यानी एक चीज समझिए, मैंने आपको बताया था कि a अपॉन b 0 कब होता है, जब a 0 हो, a अपॉन b 1 कब होता है, जब a b के इक्वल हो, a अपॉन b सिंपल तरीके से ग्रेटर देन 1 कब होता है, जब a ग्रेटर देन b हो, और a अपॉन b लेस देन 1 कब होता है, जब a लेस देन b हो, ये उसी कंडीशन पे तीन आंसर डायरेक्टली रिजल्ट ये हो गया। बाकी आप एक चीज याद रखिए, एक ही नंबर ऐसा होता है जिसका स्क्वायर भी सेम है, राइट। तो अगर मैं एफ एक्स की जगह 1 रख दूं तो 1/2, -1 रख दूं तो -1/2, तो रेंज हो गई -1/2 टू +1/2, राइट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन।